स्थिति में आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होता, कोई होगा ही नहीं। ऐसे आप संचालक हैं, सबके प्रेरणा करने, प्रेरणा देने वाले, सबके मालिक, आपके शरण हो नाथ, ये मेरा मन वश में नहीं होगा। तो प्रेरक प्रभु पर ये हूँ, जब मना कर दे तो मन की क्या मजाल है कि वो कुछ भी चूंगी कर सके। परंतु सज्जनों, भगवान की शरण होकर पुकारने से ही काम होता। वो शरणागति कब होती है कि जब अपने में निर्बलता का अनुभव करता है। सुने निवेदन, निर्बल के बलराम, अपने में किसी बल का अनुभव नहीं कर रहा है तो वो उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये निर्बलता दो तरह की होती है। एक निर्बलता ऐसी है कि जिस काम को हम कर नहीं सकते, मानो हो ही नहीं सकता हमारे द्वारा, वो निर्बलता है। जैसे किसी को कहा जाए कि इस आल को उठा करके और जरा थोड़ा समुद्र के किनारे वहां रख दो, तो क्या एक मनुष्य कोई इसको है जो का त्यों उठा कर वहां रख दे? नहीं रख सकता, तो निर्बलता है। तो इस निर्बलता के लिए बात नहीं है, साधक के सामने ऐसी निर्बलता नहीं है। तो निर्बलता कौन सी है कि जिसको हम कर सकते हैं और करना चाहिए और फिर भी कर नहीं पाते हैं। जैसे इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, मन को केवल परमात्मा में लगा देना, इसके लिए कोई असंभव बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। भगत पर हम कई दफे फैल हो जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, परंतु ऐसा मौका आता है उस समय में मानते हुए, जानते हुए और परिश्रम करते, उद्योग करते हैं, सावधानी रखते हैं, फिर भी कोई ना कोई हमारे से असत्य बात निकल ही जाती है। तो ये निर्बलता है। इस निर्बलता के होने वाले जो निर्बल आदमी है, वे अगर परमात्मा से पुकार करे तो ये निर्बलता उनके बाधक नहीं होती, किंतु शरणागति में ये सहायक होती है। क्योंकि जब तक मनुष्य के अपने बल का भरोसा रहता है, तब तक भगवान की शरण नहीं हो सकता। और जब बार बार ऐसा उद्योग करता है और फिर उसे फैल होता है, तो फिर भगवान के चरणों के सिवा क्या करेंगे आदमी। तो साधक के जीवन में ऐसी निर्बलता होती है कि वो कर सकता है, उसकी हिम्मत भी होती है, और कभी कभी उस विषय में ये सफल जीवन भी होता है, परंतु सर्वथा उसमें विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अपने मन के मुताबिक अपने मन और इंद्रियों को नहीं लगा सकता। ऐसी निर्बलता जहाँ होती है वहाँ वो शरण होता है, और उसके शरणागति की बात भगवान उसके शरण की बात सुनते हैं, और उसी कृपा से वो काम उसका होता है। तो सज्जनों, ऐसे ही तो निर्बल होते हैं साधक। हम लोगों में अगर देखा जाए तो विचार करते हैं, सोचते हैं, जब सत्संग की बात सुनते हैं, सत्शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, औरों को साधन करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में हिम्मत आती है कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, और हम करते भी हैं, परंतु सर्वथा उसमें सफल जीवन नहीं होती, फैल हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ऐसा माने प्रभु का मैं हूँ, मेरे प्रभु है, इस बात को स्वीकार कर ले तो ये काम बन जाए। इस शरणागति पर भगवद गीता ने बहुत जोर दिया है। और सच्ची बात पूछी जाए तो भगवद गीता का उपदेश कब हुआ है? अर्जुन के साथ भगवान रहते थे, सैया सनातन विकथन भोजनादि स्वीकृतवान प्रलब्ध सख्यो सखैव पितृवत्तन यस्य सर्वम श्रेहे महान महितया कुमते रघुमे। भागवत में अर्जुन कह रहे हैं, युधिष्ठिर से मिलकर के महाराज, मैंने भगवान को ठीक ठीक नहीं पहचाना, सैया सनातन विकथन भोजनादिषु एक ज्ञात, सोते साथ में, बैठते साथ में, चलते साथ में, भोजन साथ में करते, घूमते साथ में, आपस में बात करते थे, हाँ मित्र तुम बड़े अच्छे हो, और मैंने इतना इतना तिरस्कार कर दिया एकांत में और लोगों के सामने कि तुम बड़े सचवादी हो जी, क्या कहना है, आप बड़े भले आदमी हो,
ऐसे ऐसे मैंने तर्क करके उनके सामने बातें की। ऋतु आने पर लगता परंतु सब कुछ मेरे अपने